हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना फर्स्ट फॉर्म ड्राई सुपर लाइट DIY क्ले का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक छोटू सा एप्पल ट्राई किया है। आई होप ये आप लोगों को पसंद आए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट क्ले है, इसे हमें बहुत ही हल्के हाथों से यूज़ करना है। बहुत ही सॉफ्ट है ये, देखिए बहुत सॉफ्ट है। इसको किसी भी मतलब कोई भी शेप देनी है तो ये जल्दी से यूज़ भी नहीं है। मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है एक छोटा सा एप्पल की शेप देने के लिए। तो देखिए हाथों से तो हो ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे टेबल पे ही यूज़ करूँ। ये देखिए क्यूब बन गया बिल्कुल ही। हाँ, तो मैंने इसको अच्छे से टेबल से ही इसको शेप देने की ट्राई की है। तो आप जो भी शेप देना चाहते हैं थोड़ा केयरफुली आपको देना होगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने स्माइल बनाई, लेकिन अभी जहाँ ये क्ले ऐसी है सॉफ्ट है, जहाँ मैं इसे यूज़ कर रही हूँ वहीं थोड़ा सा ये दब जाती है। मैंने आइस के लिए, छोटी छोटी आइस के लिए वाइट कलर का यूज़ किया, और ये ना पेस्ट भी इसी पे हो जाती है, हमें किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक बार अगर पेस्ट हो गई तो गाइस ये दोबारा हटने वाली नहीं है। तो आप बहुत ही ध्यान से यूज़ करें और जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना ही यूज़ करें। ये देखिए, मैंने यहाँ आईज़ में ब्लैक की जगह ब्राउन कलर यूज़ करके देखा, क्योंकि मुझे यहाँ ब्राउन कलर की आईज़ बनानी थी। ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही सॉफ्ट, यहाँ मेरी एप्पल की आईज़ थोड़ी इधर उधर हो गई है। चलिए कोई नहीं, इसको हल्के हाथों से ही पकड़ना भी पड़ेगा। ये देखिए ड्राई होने के बाद ये हार्ड हो जाती है, आप बच्चे इससे आराम से खेल सकते हैं अगर आप कुछ भी कुछ बड़ा बना रहे हैं तो। ये मैंने बहुत छोटा सा ट्राई किया था। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।